पर टेस्ट में हार की कगार पर खड़ी टीम इंडिया को एक और बहुत बड़ा झटका लग गया है। जी आपको बता दें कि अभी अभी ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि टीम इंडिया के स्टार ओपनिंग बल्लेबाज पृथ्वी शॉ टीम से बाहर हो गए हैं, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बचे हुए अगले दो टेस्ट मैच में भी पृथ्वी शॉ टीम में नहीं खेल पाएंगे और उन्हें वापस भारत आना पड़ रहा है। जी हाँ, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया 11 के खिलाफ पृथ्वी शॉ की एडी में चोट आई थी, जिसके बाद उम्मीद की जा रही थी कि वो तीसरे टेस्ट मैच में बाहर आएंगे, लेकिन अब बीसीसीआई ने ट्वीट के जरिए ये साफ कर दिया है कि पृथ्वी शॉ सीरीज नहीं खेलेंगे और सीरीज से बाहर हो चुके हैं। पृथ्वी शॉ का बाहर होना टीम इंडिया को बहुत बड़ा झटका दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर केएल राहुल और मुरली विजय ने टीम इंडिया की नाक में दम कर रखा है, दोनों ही रन नहीं बना रहे हैं। ऐसे में पृथ्वी शॉ की जगह रणजी में करीब 100 की औसत से रन बनाने वाले मयंक अग्रवाल को टीम में शामिल किया गया है। मयंक अग्रवाल और हार्दिक पांड्या टीम इंडिया के स्क्वाड में शामिल किए गए हैं। हार्दिक पांड्या 19वें खिलाड़ी होंगे टीम में शामिल होने के लिए और मयंक अग्रवाल को पृथ्वी शॉ की जगह टीम में शामिल किया गया है, यानी कि अब पृथ्वी शॉ टीम में तो नहीं रहेंगे। देखना दिलचस्प होगा कि मयंक अग्रवाल अपने मौके को भुना पाते हैं या नहीं। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स डेस्क से अभिलाष पांडे की रिपोर्ट।